तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के गेट तोड़ने पर लगा दिया आज रोक। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एक हेलीकॉप्टर, चार गाड़ियां पैसा भर कर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अफगानिस्तान से भागे, रिपोर्ट में हुआ है आज खुलासा। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि आगरा की मस्जिद में बीजेपी नेता ने जबरदस्ती फहरा दिया तिरंगा, गाया राष्ट्रगान, मुसलमानों ने किया विरोध, अब जेल में डालने की भाजपा नेता की उठ रही है मांग। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनकर हुआ तैयार, दो से अधिक बच्चों पर न सरकारी नौकरी मिलेगी और न लड़ सकेंगे चुनाव, योगी आदित्यनाथ अगले हफ्ते कर सकते हैं यूपी में लागू। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि एलोपैथी मामले को लेकर बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। 24 घंटे में दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा है बाबा रामदेव से जवाब, बढ़ गई है योग गुरु की मुश्किलें। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गनी पर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा बिना लड़े अफगानिस्तान से भाग गए, इन्हीं की वजह से हुआ है तालिबान का अफगान पर कब्जा। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के गेट तोड़ने पर लगा दी रोक, भाजपा को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज आजम खान को लेकर योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने के आदेश पर आज रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने रामपुर के जिला जज के आदेश पर ये रोक लगाई है। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जवाब दाखिल होने तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई आजम खान की यूनिवर्सिटी पर नहीं की जा सकेगी। आपको बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान की यूनिवर्सिटी के गेट को सरकारी जमीन पर होने की बात कही थी। इस मामले में जिला कोर्ट ने जांच के आदेश के बाद आजम खान की यूनिवर्सिटी के गेट तोड़ने का आदेश दिए थे। इसके खिलाफ आजम खान इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आजम खान की यूनिवर्सिटी के गेट तोड़ने पर आज रोक लगा दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका योगी सरकार को आज कोर्ट से लगा है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा होते ही चार गाड़ियां पैसे और एक हेलीकॉप्टर लेकर भागे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रविवार को ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तालिबान के काबुल में घुसने के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने जब देश छोड़ा तो वह चार गाड़ियां अफगानिस्तान का कैश और एक हेलीकॉप्टर लेकर भागी हैं। भाई आपको बता दें कि आज रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। भाई आपको बता दें कि रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आधे पैसे वह एयरपोर्ट पर ही छोड़ गए, क्योंकि स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उन्हें आधा पैसा एयरपोर्ट पर ही छोड़कर जाना पड़ा। सिर्फ चार गाड़ी पैसे ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अपने साथ ले गए हैं। भाई आपको बता दें कि ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को शरण देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वह ओमान भागे और ओमान ने भी शरण देने से इनकार कर दिया, अब वह अमरीका जाने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चार गाड़ी पैसे और एक हेलीकॉप्टर लेकर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अफगान से भागे हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता ने आगरा की मस्जिद में फहराया तिरंगा, गाया राष्ट्रगान, मुसलमानों ने किया विरोध। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार को स्वतंत्रता दिवस पर एक मस्जिद में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने के आरोप में भाजपा नेताओं को धमकी दी गई है। भाजपा नेता और यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी को स्थानीय कांग्रेस नेता हाजी जमीलुद्दीन और आगरा के शहर मजदुल खुबैब रूबी ने धमकी दी है। दोनों ने आगरा की जामा मस्जिद में तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने को हराम बताया है और आपत्ति जताई है। साथ ही दावा किया है कि अल्लाह के कहर को बुलावा देगा।
जमीलुद्दीन ने कहा कि अगर वह मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों का राजनीतिकरण करने की कोशिश करेंगे तो उत्तर प्रदेश का पूरा समुदाय सैफी के खिलाफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि मुस्लिम धर्म में उन्होंने मस्जिद में जाकर ये बहुत गलत काम किया है, इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मंदिरों में जाकर आखिरकार तिरंगा और राष्ट्रगान क्यों नहीं गाते हैं? सिर्फ मुसलमानों के साथ ही भाजपा नेता ये काम क्यों कर रहे हैं? तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आप इसके समर्थन में हैं या इसके खिलाफ में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि बीजेपी नेता ने जो मस्जिद में तिरंगा और राष्ट्रगान गाया है ये सही है या फिर गलत। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अजमेर दरगाह के सूफियों ने की मांग, तालिबान को पाकिस्तान उपलब्ध करा रहा है धन और हथियार, भारत को भेजनी चाहिए सेना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज लौट आया है, पूरे देश पर इस वक्त तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इसी बीच राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के प्रमुख सैयद जैनुल आबेदीन अली चिश्ती ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जों को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान राज की घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान ने ही तालिबान को धन और हथियार मुहैया करवाए हैं जिससे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। ये घटनाक्रम पूरे विश्व के लिए चिंताजनक है, खास तौर से भारत के लिए। भारत के प्रमुख पदों पर बैठे लोगों को चाहिए कि वे भारतीय सेना को अफगानिस्तान भेजें और वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल कर ले आएं। उन्होंने कहा कि अगर इस देश पर तालिबान ने कब्जा कर लिया तो भारत पर भी ये हमले करेंगे और पाकिस्तान इनका साथ देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दरगाह प्रमुख ने ये बड़ी मांग की है मोदी सरकार से। अब देखते हैं मोदी सरकार सेना को अफगानिस्तान भेजती है या फिर नहीं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किल, दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 घंटे में एलोपैथी मामले में जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ एलोपैथी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई 18 अगस्त तक स्थगित कर दी है और बाबा रामदेव से 24 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर विवादित बयान दिया था। बाबा रामदेव ने देश के डॉक्टरों का अपमान किया था और कहा था कि जो कोरोना वायरस का देश के डॉक्टरों ने टीका बनाया है, इस टीके के लगाने के बाद भी कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, इसलिए ये दवा बेकार है। इसी के खिलाफ देश के 7 डॉक्टरों और डॉक्टर संघों ने बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और जेल में डालने की मांग की थी, लेकिन बाबा रामदेव पर अभी तक भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते अब हाई कोर्ट ने ही स्वतः संज्ञान लिया है और बाबा रामदेव से 24 घंटे के अंदर इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। अब देखते हैं बाबा रामदेव क्या जवाब दाखिल करते हैं, अगर आरोप सही है तो बाबा रामदेव को जेल होगी। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 से अधिक बच्चों पर न सरकारी नौकरी मिलेगी और न लड़ सकेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनकर तैयार हो गया है और इसको योगी सरकार ने आज दोनों सदनों में पेश भी कर दिया है। भाई आपको बता दें कि इस कानून में मंजूरी मिल गई है कि 2 से अधिक बच्चों पर न सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में मिलेगी और न पंचायत और नगरीय चुनाव व्यक्ति लड़ सकेंगे। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल ने सोमवार को जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतिम मसौदे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। मैं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसे रोकने की जरूरत है और हम जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। तो आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरा बनकर तैयार हो गया है, अब जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी सरकार यूपी में लागू करने वाली है। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चरखी दादरी में 700 ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने निकाली तिरंगा यात्रा, भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चरखी दादरी में संयुक्त किसान मोर्चा ने 700 ट्रैक्टरों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली है और मोदी सरकार का विरोध किया है। भैया आपको बता दें कि किसान टिकरी बॉर्डर पर इसी तिरंगा यात्रा को लेकर पहुंचे। तिरंगा यात्रा में ट्रैक्टर शामिल हुए किसानों ने कहा कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक वह ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमारे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रही है और कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है। किसानों ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से दुनिया भर की बातें कही लेकिन किसानों के बारे में एक शब्द प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं बोला, जबकि किसान
8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं और 500 से 600 किसानों की मौत भी हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक किसान पर भी कोई जवाब लाल किले से नहीं दिया, तो ये बड़ा हमला जो है किसानों ने मोदी सरकार पर ही बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में 15 अगस्त पर आप विधायकों ने निकाली बाइक रैली, बीजेपी ने दर्ज कराई विधायकों पर FIR। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बिना इजाजत 15 अगस्त को बाइक रैली निकालना आम आदमी पार्टी के विधायकों को महंगा पड़ गया है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायकों पर महामारी एक्ट समेत कई धाराओं में FIR दर्ज कर लिए हैं। हालांकि बाइक रैली में शामिल लोगों की संख्या केवल 20 से 25 बताई जा रही है, जबकि आपको बता दें कि दिल्ली में मुस्लिम विरोधी नारे जंतर मंतर पर लगाए गए थे और लगभग हजारों की संख्या में भाजपा नेता इकट्ठे हुए थे। तब इन लोगों ने FIR भाजपा नेताओं पर दर्ज नहीं की और ना ही उन पर महामारी एक्ट का कोई हवाला दिया और मुस्लिम विरोधी नारे लगाते हुए दिल्ली पुलिस आराम से देख रही थी। तो किस तरह से दिल्ली पुलिस भाजपा पुलिस है और बीजेपी के दबाव में ही दिल्ली पुलिस काम कर रही है, और आम आदमी पार्टी के 20 अगर विधायकों ने रैली निकाल भी ली तो किस तरह से उन पर FIR दर्ज करवा दी, तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। दिल्ली पुलिस बीजेपी की गुलाम है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा बिना लड़े अफगानिस्तान से भाग गए, इन्हीं की वजह से तालिबान ने किया अफगान पर कब्जा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार को व्हाइट हाउस से अमरीका को संबोधित किया। अपने संबोधन में जो बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान से सैनिकों को हटाने का फैसला सही था। बाइडन ने आज अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दुनिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि अमरीकी मिशन वहां राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं गया था। उन्होंने अमरीकी सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले की आलोचना खारिज करते हुए कहा कि उनका फैसला सही है। उन्होंने कहा कि हमने हुआ राष्ट्र को समर्पित करने के लिए अमरीकी सेना नहीं भेजी थी, हमने तो इसलिए अमरीकी सेना भेजी थी कि अफगानिस्तान की सेना अफगानिस्तान के राष्ट्रपति साथ देंगे, लेकिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने अमरीकी सेना का साथ नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर अमरीकी सेना हारी और इसलिए ही हमने अपने सैनिकों को वापस बुलाया और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की वजह से ही अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है। तो अमरीका ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पर ठीकरा हार का फोड़ दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले IPS पर विपक्ष का आया दिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर पर विपक्षी दल फिदा हो रहे हैं। इसी कड़ी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और पीस पार्टी ने ठाकुर को समर्थन देने की घोषणा की है। पीस पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने ट्वीट किया और कहा कि यदि अमिताभ ठाकुर श्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध में विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं तो पीस पार्टी उन्हें बिना शर्त बस समर्थन सहयोग देगी और उन्हें टिकट भी देगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि योगी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं।